नमस्कार, दी अर्थ न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। कल का दिन बहुत खास है क्योंकि कल जम्मू लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियों के दल पहुंचना शुरू हो गए हैं। ईवीएम व जरूरी कागजात लेकर पोलिंग अधिकारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो गए हैं। जम्मू लोकसभा सीट के लिए कुल 2416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस संसदीय सीट में जम्मू, सांबा और रियासी जिले के अलावा राजौरी का सुंदरबनी और कालाकोट इलाका भी आता है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिन में सभी प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडर्न पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। इसमें इस सीट में कुल 18 मॉडर्न पोलिंग स्टेशन होंगे जिनमें रेड कारपेट पर मतदाताओं का स्वागत होगा। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ऐसे में इस सीट में कुल 18 ग्रीन पोलिंग स्टेशन होंगे। इन मतदान केंद्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मतदान के दौरान कुछ युवा मतदाताओं व बुजुर्ग मतदाताओं से यहाँ पौधारोपण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ऐसे में सीट में कुल 54 पिंक पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक PWD पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ मतदान केंद्र तक जाने के लिए रैंप व व्हील चेयर जैसी सुविधाएं होंगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए हर प्रबंध किए गए हैं। जिनको मतदाता पत्र नहीं मिले हैं वो कोई भी पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पहुंचें और मतदान करें। गौरतलब है कि जम्मू सीट पर मौजूदा भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, एकम सनातन भारत दल के वकील अंकुश शर्मा समेत 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस संसदीय सीट पर 17,80,835 वोटर अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था और 68% से ज्यादा मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। चुनाव की घोषणा के बाद से 20 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। 2019 के संसदीय चुनाव में जम्मू में 74% मतदान हुआ था। तो इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर एक नई स्टोरी के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।